Welcome back everyone. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि लोकेटेड है पापमपारे में एंड ये है अरुणाचल प्रदेश में। टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी, ये 2010 में एडसन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। ये AICTE UGC अप्रूव्ड है एंड यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के। मोर ओवर 25 स्पेशलाइजेशन जिसमें आप अपनी फाइनल स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर हम कोर्सेज की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद कि कौन सी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री की अगर बात करें, आप बीटेक करना चाहते हैं बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये 4 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होने वाला है। फर्स्ट ईयर की आपकी जो फीस है अप्रॉक्सिमेटली 1,40,000 के करीबन होगी एंड JEE मेंस के एग्जाम के थ्रू आपके यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाले हैं। जो स्पेशलाइजेशंस यहाँ अवेलेबल है उसमें इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आप MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करना चाहते हैं तो मैं बता दूं अप्रॉक्सिमेटली 29,000 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस हो सकती है एंड ये 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है जिसमें CAT एंड MAT के एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन्स होने वाले हैं। देन आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं MTech यानी मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर की जो फीस है आपकी अप्रॉक्सिमेटली 85,000 रुपीज़ होगी, 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है। गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है एंड यहाँ पे भी कई सारी स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं आपके लिए। वहीं अगर हम MSc की बात करते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस आप स्टडी करना चाहते हैं तो 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होने वाला है। 30,000 रुपीज़ इसके कोर्स की फीस होने वाली है फॉर द फर्स्ट ईयर। उसके अलावा MTech यानी मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो अगेन आपके पास कई सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होने वाला है एंड 85,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फीस हो सकती है। इसके अलावा PhD कोर्सेज में भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे 3 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होने वाला है, अप्रॉक्सिमेटली 30,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फीस होने वाली है। स्पेशलाइजेशन की बात करूँ अगर मैं PhD लेवल में, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक यहाँ पे कोर्सेज की बात है, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड एडमिशन्स की बात करें तो पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होने वाला है जो कट ऑफ के बेसिस पे एंड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बेसिस पे होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर आप स्कॉलरशिप्स के बारे में, एडमिशन क्राइटेरियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो नंबर गिवन है आप उस पर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेजेस कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो एंड हमारे काउंसलर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको बताएंगे कि आपको कैसे स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे कैसे कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड एडमिशन प्रोसीजर्स जो कि है www.nitap.ac.in। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ हॉस्टल्स, यार अगर आप यहाँ पे बाहर से स्टडी करने आ रहे हैं और आपको यहाँ रह के स्टडी करना है तो डेफिनेटली हॉस्टल्स एंड PG आप फाइंड करेंगे एंड यहीं पे मैं बता दूँ कि आपको बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल सेपरेट हॉस्टल्स मिल जाएंगे। कई फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिनके फैसिलिटीज के बेसिस पे आपका जो हॉस्टल का खर्चा है वो 7,000 रुपीज़ से 54,000 रुपीज़ तक वैरी कर सकता है। जो आप डिफरेंट फैसिलिटीज अवेल करते हैं, जो डिफरेंट रूम्स अवेल करते हैं उसके बेसिस पे ये जो ब्रैकेट है ये डिसाइड होता है। बट एक एवरेज ब्रैकेट है कि 7,000 से लेकर 54,000 के बीच में आपका फाइनल ब्रैकेट डिसाइड होगा हॉस्टल की फीस का। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स ने जेन्युइन रिव्यूज दिए हैं। अब जब हम NIT की बात कर रहे हैं तो हम कहीं सुनी बातों पे तो विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप खुद या तो कैंपस विजिट करेंगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे या जो जेन्युइन रिव्यूज हैं उन्हें चेक करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स ने जो रिव्यूज दिए हैं उसमें एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल लाइफ, अकोमोडेशन, प्लेसमेंट्स, स्टडी स्टाइल, फैकल्टी, सबसे रिलेटेड रिव्यूज आपको मिल जाएंगे जो कि स्टूडेंट के जेन्युइन रिव्यूज है, जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ से स्टडी करके निकल चुके हैं उनके रिव्यूज। उनसे बेटर एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं होगा, तो उनके रिव्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करवाता है जिसमें इंक्लूडेड होती है आपकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग जिसमें आपकी प्री प्लेसमेंट टॉक्स, ग्रुप डिस्कशंस एंड रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे कॉलेज आपको प्रिपेयर करवाता है प्लेसमेंट के लिए। कई बड़ी कंपनीज MNCs में यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं एंड एक अच्छा एवरेज सैलरी पैकेज भी आप अर्न कर सकते हैं। एंड यार नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट NIT लेवल कॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये पर्टिकुलरली कॉलेज NIT का टारगेट कर रहे हैं एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है आप उस पर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं एंड आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना पर्सनलाइज PDF जहाँ पे आपको हर एक डिटेल गिवन होगी।
एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज या डाउट्स हैं या कोई ऐसा कॉलेज है जिसको आप पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं अपने लिए तो आप उसके बारे में भी कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे. टिल देन यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल.